तो दोस्तों फाइनली मैं ले लिया पावर बैंक, आप लोग देख सकते हो। ये है गुई का ब्रेव जो कि 10,000 mAh की बैटरी है, तो आप लोग देख सकते हो मैं ले लिया हूँ और यही अपना सफ़र में काम आएगा। अपना जो भी मोबाइल वगैरह चार्ज करना हो, कुछ भी चार्ज करना हो तो सफ़र में यही काम देगा, तो इसीलिए मैं ले लिया हूँ। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो एक नए ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में तो देख ही लिया है कि आज आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को क्या दिखाऊंगा। तो जी हाँ, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मेरा फ्लाइट जो होने वाला है 18 घंटा उसमें टाइम लगेगा। अपना दुबई में 7 घंटे का वेटिंग है, इधर 4-5 घंटे का वेटिंग है। तो मान लो एयरपोर्ट पे बैठ के क्या करेंगे, किसी का मुंह तो देखेंगे नहीं, तो मोबाइल ही देखेंगे, वीडियो वगैरह देखेंगे अगर वाईफाई कनेक्ट हो जाए तो। और उसमें डर यही रहता है कि चार्ज ख़त्म हो जाएगा तो फिर वीडियो नहीं बना पाएंगे या फिर मोबाइल नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि पावर बैंक मैं यहीं पर ख़रीद लेता हूँ। वैसे तो मैं इंडिया में ही ख़रीदने वाला था, मगर मैंने सोचा कि अब चलो ख़रीद लेते हैं क्योंकि काम आएगा अपना सफ़र में। तो जैसे कि आप लोगों ने जरीर में देखा था कि जरीर में तो मिला नहीं पावर बैंक, तो अभी मैं जा रहा हूँ एक्स्ट्रा में, और एक्स्ट्रा में जाके वहाँ से अपना देखते हैं पावर बैंक कैसा है, कितने का है और ले पाता हूँ या नहीं। तो चलो मैं मिलता हूँ आप लोगों से सीधे एक्स्ट्रा में, तो चलो चलते हैं। तो मैं ये एक्स्ट्रा में आ गया, ये है एक्स्ट्रा। चलो इधर अंदर चल के देखते हैं पावर बैंक कितने का है एक्स्ट्रा में। तो देखो यहाँ का फेमस यही है, 20,000 mAh बैटरी, ये 65 रियाल का है। वहाँ से तो सही हो तो 10,000 mAh 80-90 का मिल रहा था। 10,000 वाला देखते हैं। तो देखो दोस्तों, ये है 10,000 mAh की पावर बैंक, ये 45 रियाल का है। यही चाहिए था मुझे, 3 ईयर का वारंटी है। वैसे तो कौन सा बनाएंगे, ये दोनों अलग अलग है, कंपनी सेम ही है, मगर ये क्या लिखा है, ब्रेव। तो जैसे कि देख रहे हो दोस्तों, ये तीनों सेम ही रेट है, 45, 45, 45 है, सब सेम ही कंपनी का। मगर इसमें जो फ़र्क है यही है कि ये अगर ये लो ब्रेव, तो इसमें दो वो मिल जाता है, USB टाइप और एक सी टाइप, और जो ये है सिंगी, इसमें एक मिलता है USB और दो मिलता है सी टाइप, एक इन आउट के लिए एक बस आउट के लिए। वैसे ये भी है किंगो कीगो, इसमें भी एक USB मिलता है और दो टाइप सी। तो अपने को तो टाइप सी से उतना मतलब है नहीं, दो USB वाला सही है क्योंकि जो भी हो अपना कैमरा मोबाइल साथ में चार्ज करना हो या फिर ब्लूटूथ, जो भी साथ में दो चीज़ चार्ज करना हो तो अपने पास वही ज़्यादा है, ये USB 2 C टाइप। तो ये वाला लेना सही रहेगा, ब्रेव वाला। 10,000 mAh बैटरी ले रहा हूँ मैं, वैसे ज़्यादा अपने को क्या काम रहता है, 20,000-30,000, वैसे 30,000 तक भी है। देखो ये रहा 30,000 का 200 रियाल का, फिलहाल के लिए ये लेते हैं 10,000 mAh बैटरी, ये दो USB टाइप वाला और एक टाइप सी। मगर इसमें ये है पावर, अपना देख सकते हो 5 वोल्ट का, इधर है एंकर का भी है। तो जैसे कि एक ये है ओके का,
ये मिनी पावर बैंक एकदम 60 रियल का है। ये अपना जो एटीएम कार्ड रहता है उतना ही बड़ा है, आराम से जेब में रख के घूमो, ये करो वो करो। इनपुट है यूएसबी टाइप सी, आउटपुट है एक यूएसबी टाइप सी एक यूएसबी ए। खोल के दिखाते नहीं है, खोल के दिखाते तो सही रहता, क्या करे वो 15 रियल का फर्क है। ये ले ले कि ये ले ले, सो डब्बे में फर्क अंदर कितने बड़ा ये है, ये कितने बड़ा है मालूम नहीं। तो चलो दोस्तों यही वाला ले ले रहा हूँ मैं, गोई का ब्रेव 10,000 mAh बैटरी, 45 रियल का है। वैसे 20 रियल और मिला दो, देखो 65 रियल का इसी में का है 20,000 mAh की बैटरी, पर ये थोड़ा हल्का है सही है, और ये बहुत भारी लग रहा है, ऐसा ईंट जैसा लग रहा है, तो ये हल्का वाला लेते हैं सही है। देख रहे हो हुआवे का कितना मस्त फ़ोन निकला है, हुआवे का ये भी देखो 3,699 रियाल का, जितने का आईफोन मिलता है। कैमरा तो मस्त है इसका, अगर ये गूगल नहीं चलेगा इसमें। तो दोस्तों ले लिया मैं पावर बैंक वही 45 रियल वाला, अपना 45 रियल हो गया इंडिया का 1,000 रुपये, 1,000 रुपये का मैं ले लिया यहाँ से, इसलिए मैं यहाँ से नहीं लेने वाला था, मैं इंडिया में ही लेने वाला था। मगर आप लोग जानते ही हो कि वो टिकट हुआ है जो कि 18 घंटे का फ्लाइट है, तो वही 18 घंटे का फ्लाइट है तो अपना मोबाइल देखते देखते ही तो टाइम पास करेंगे। एयरपोर्ट पे 7 घंटे का 5 घंटे का जो वेटिंग टाइम है कैसे अपना बिताएंगे मोबाइल देखकर, तो वही चार्ज ख़त्म होने का डर रहता है, तो इसीलिए मैं पावर बैंक यहाँ से ले लिया, नहीं तो मैं अपना इंडिया से ही लेता, इंडिया में आराम से 700-800 में मिल जाता है। जो भी है चलो ले लिए, वैसे भी कंपनी का ही है, सब लोग यहीं के, यहाँ पे सब लोग यही यूज करते हैं, मेरा कफिल भी यही यूज करता है, और वो जो इरफान भी यही वाला कंपनी का लिया था, यही ज़्यादातर चलता है। तो चलो चलते हैं, चल के अपना ट्राई करेंगे रूम पे। तो मैं अभी आ गया हूँ रूम पे, देख सकते हो। चलो अब मैं इसको आप लोगों को ओपन करके दिखाता हूँ कि कैसा है, मैंने भी अभी तक नहीं देखा है, तो आप लोगों को मैं ओपन करके दिखाऊंगा, फिर चार्ज करके दिखाऊंगा, और चार्ज करके अपना मोबाइल चार्ज करके दिखाऊंगा कि कैसा होता है। तो चलो चलते हैं अंदर। तो दोस्तों एक्स्ट्रा से अपना पावर बैंक लेके आ गया मैं, अब इसको ओपन करके देखते हैं कि कैसा है, मैंने भी अभी तक नहीं देखा है, तो चलो मैं ओपन करता हूँ। तो देखो ओपन कर लिया मैं, बाकी ये है अपना वो पावर बैंक जो कि कुछ ऐसा डिजाइन है, बाहर आ जा ये है। देख सकते हो इसमें, ये इसमें 2 USB है और 1 Type-C है बीच में, इन तीनों से ही जो भी चीज आपको चार्ज करना होगा वो हो जाएगा, और इसको चार्ज करना होगा तो इससे होगा Type-C से। इसमें ये अपना एक छोटा सा मिला है ये Type-C केबल, ये तो मेरे पास बहुत हो गया ये भी है मेरे पास, तो अभी मैं चार्ज पे लगा देता हूँ इसको और फुल चार्ज करके देखेंगे। वैसे लाइट वेट है, जेब में भी आ जाएगा आराम से, देख सकते हो, बस ये इतना ही है। तो चार्ज में लगाऊं,
ये चार्ज में लग गया, चार्ज होने लगा। 2 पॉइंट है पहले से ही, बाकी का 2 पॉइंट और बचा है। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हो आप लोग, ये पूरा फुल चार्ज हो गया, जिसमें 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट बिल्कुल चार्ज हो गया है फुल। तब इसको मैं निकाल दूंगा। अब इसके अंदर मैं अपना ये वायर लगाऊंगा और मोबाइल चार्ज करके देखूंगा कि हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है और क्या फ़र्क पड़ता है। देखो यहाँ से लाइट बंद हो गया है और अब इसमें लगाएंगे। उल्टा लगा रहे हैं, अरे एक हाथ से करने में प्रॉब्लम हो रहा है। चल हाँ, अभी ओपन नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ से मैं ओपन नहीं किया हूँ, अब कर रहा हूँ। अच्छा, सिर्फ क्लिक करके छोड़ दो हो जाएगा ओपन, ऐसा दबाए रहने वाला नहीं है। अभी क्लिक किया तो बंद नहीं हुआ, बंद करके देखते हैं। तो दोस्तों अभी मैं करीब 2-3 मिनट तक चार्ज में लगाया था और YouTube भी चला रहा था। मैं देखना चाह रहा था कि YouTube देखते देखते ये चार्ज ऊपर जाता है कि बस रुका रहता है या फिर नीचे आता है। तो ऊपर गया, 1% बढ़ गया और YouTube भी चल रहा था, तो इसका मतलब चलो सही है, अपना मोबाइल देखते देखते भी चार्ज कर सकते हैं। तो देखो ये चालू कैसे होगा, ये एक बार दबाया चालू हो गया, दो बार दबाया बंद हो गया। तो ये ऐसे है, बंद चालू होगा। अभी मैं पढ़ा, देखो ये भी काम का चीज़ होता है, पढ़ लिख के सब समझ सकते हैं। तो चलो अब इसको रख देता हूँ मैं, ये काम उसी दिन आएगा जिस दिन मैं जाऊँगा। फुल चार्ज कर लिया हूँ, आप लोगों ने देखा, और एक दिन पहले भी मैं चेक कर लूँगा कि फुल चार्ज है कि नहीं, फिर अपना उसी हिसाब से लेके जाएंगे। तो इसी में रख देता हूँ मैं। तो चलो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, और ये बेस्ट वाला असली क्वालिटी का है, कंपनी का है, तो इसीलिए ले लिया मैं। चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ मैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा।